स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पलर की 7.2। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, इसमें सभी ट्रू फॉल्स हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेस -2, 0, 2, 0 एंड 0, 2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ विद वर्टिसेस -4, 0, 4, 0 एंड 0, 4। अब देखो एक्स चैप्टर तो हमारा 7 चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लेकिन इनमें से कंसेप्ट इन्होंने किस चैप्टर का पूछ लिया, 6 चैप्टर का। अब हमने दोनों ट्रायंगल को चेक करना है ये सिमिलर है या नहीं। तो मतलब सिमिलर की क्या साइड की रेशियो इक्वल होगी, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एंगल वगैरह तो गिवन नहीं। तो अब हम साइड की रेशियो इक्वल चेक करेंगे। इसकी साइड दी हुई है -2, 0, ए बी दिया हुआ है 2 और 0 और सी दिया हुआ है 0 और 2। इसी तरह सेकेंड ट्रायंगल डी ई एफ तो डी दिया हुआ है -4, 0, ई दिया हुआ है 4, 0 और एफ दिया हुआ है 0, 4। अब हमने चेक करना है ये सिमिलर है या नहीं। तो पहले साइड की रेशियो फाइंड आउट करेंगे दोनों की, और पहले साइड फाइंड आउट करेंगे फिर रेशियो फाइंड आउट करेंगे। पहले ए बी साइड फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का क्या फॉर्मूला, x2 - x1 -2 का स्क्वायर और 0 - 0 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास -4 का स्क्वायर और 0, 4 का स्क्वायर 16। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया 4। तो ए बी की लेंथ आ गई 4 यूनिट। अब बी सी फाइंड आउट करेंगे। -2 का स्क्वायर और 2 - 0 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 + 4 √8 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 तो 2√2 यूनिट। ये आपके आपके पास बी सी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए सी। 0 - 2 का स्क्वायर -± + हो जाएगा और 2 - 0 का स्क्वायर ये भी 4 + 4 = 8 आ गया। ये भी क्या आ गया 2√2 यूनिट। ठीक है, ये ए बी बी सी और ए सी। अब हम डी ई फाइंड आउट करेंगे। 4 ये -4 है तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव 4 + 4 का स्क्वायर 0 - 0 का स्क्वायर 4 + 4 = 8। स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल तो डी कितना आ गया 8। अब ई एफ 0 - 4 का स्क्वायर 16, 4 - 0 का स्क्वायर 16, 32। 32 को क्या हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2 तो ये आ गया 4√2 यूनिट। अब हमारे पास आ गया डी एफ। 0 - 4 तो +4 हो जाएगा, 4 - 0, 4 का स्क्वायर 16 + 16 32। तो ये भी क्या आ जाएगा 4√2 यूनिट। अब हमने इसकी साइड की रेशियो देखनी है, अगर वो इक्वल आ गई तो ये ट्रू होगा नहीं तो फॉल्स होगा। तो पहले ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई 4/8 तो ये आ जाएगा 1/2। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी अपॉन ई एफ। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2√2 और 4√2, ये भी कैंसिल, ये भी क्या आ गया 1/2। अब थर्ड फाइंड आउट करेंगे ए सी अपॉन डी एफ। तो ए सी की वैल्यू है 2√2, 4√2, ये भी कैंसिल, बिल्कुल सही। अब देखो तीनों की साइड की रेशियो इक्वल आ गई तो ये हमारे पास क्या है ट्रू है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ये जो पी पॉइंट है -4, 2 लाई ऑन द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में ये कहीं लाई करता है, ट्रू है या फॉल्स है। तो इसे करके देखते हैं। जैसे देखो ग्राफ बना लो, इसे ग्राफ की तरह कर लो सॉल्व। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट -6 तक है, यहाँ क्या आ जाएगा 1,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश है, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर, ठीक है। वाई एक्सिस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेगेटिव वन नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री नेगेटिव फोर नेगेटिव फाइव फोर नेगेटिव सिक्स। अब देखो हमने ये पॉइंट देखना है, इन दोनों में लाई करता है, पहले एक्स नेगेटिव फोर वाई सिक्स, एक्स नेगेटिव फोर वाई सिक्स यहाँ आ जाएगा, और एक्स नेगेटिव फोर वाई नेगेटिव सिक्स तो यहाँ आ जाएगा। देखो इन दोनों में लाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब देखना है नेगेटिव फोर टू कहाँ लाई करता है, नेगेटिव फोर एक्स यहाँ टू, बिल्कुल सही लाई करता है, तो ये भी क्या हमारे पास ट्रू है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमारे पास क्या है ट्रू। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास ए पी और बी पी, ठीक है, इन दोनों का हमारे पास यानी पी बीच में पॉइंट लाई करता है, तो ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल आना चाहिए, ए बी डिस्टेंस के, तो ये भी लाई करेगा, लेकिन ये बिल्कुल ईजी आप इस तरीके से कर लो। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, द पॉइंट्स 0 5 0 नेगेटिव नाइन एंड 3 6 आर कोलिनियर। ये हमने चेक करना है ये पॉइंट क्लीनियर है, जैसे ए पॉइंट हमारे पास 0 5, बी पॉइंट है 0 नेगेटिव 9 और सी पॉइंट है 3 6। तो इसका रूल क्या है क्लीनियर का, किसी भी दो का सम तीसरे के सम के इक्वल होना चाहिए, यानी ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, 0 माइनस 0 जीरो का स्क्वेयर, और ये आ जाएगा -9 नेगेटिव फाइव का स्क्वेयर, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 -14 का स्क्वेयर, 14 का स्क्वेयर इज 196, तो ये आ गया 14 यूनिट। ए बी हमारे पास 14, और बी सी फाइंड आउट करते हैं, 3 माइनस 0 का स्क्वेयर 6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 9 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 9 प्लस 6 15, 9, 15 का स्क्वेयर 225, 225 प्लस 9 234 यूनिट, ठीक है। ए बी भी बी सी भी, अब सी ए, अब 234 तो किसी का स्क्वेयर है नहीं, नहीं तो ए सी का, 3 माइनस 0 का स्क्वेयर 6 माइनस 5 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर 9, 6 माइनस 5 का स्क्वेयर 1, तो ये आ गया √10। अब देखो कोई भी ए बी का किसी भी दो का सम तीसरे के सम के इक्वल नहीं है, जहां हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, सो पॉइंट्स आर नॉट क्लीनियर, तो ये आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स। इसका आंसर है हमारे पास फॉल्स। क्वेश्चन फोर्थ है हमारे पास, .02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बात कर रहा है भी कोई पॉइंट है हमारे पास, ए पॉइंट मान लेते हैं हम -1 और 1, और बी पॉइंट है हमारे पास 3 और 3, और ये पी पॉइंट है ये कहीं लाई कर रहा है कहीं भी, तो इट मीन्स ए पी का डिस्टेंस और पी बी का डिस्टेंस ये दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो ये तो ट्रू होगा, बिल्कुल लाई करता है, कहीं भी पॉइंट हो, पी पॉइंट यहां भी हो सकता है यहां भी, इसका डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होगा ऑलवेज, ठीक है, याद रखना। अगर पी पॉइंट, ठीक है, ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, तो अगर हमने प्रूफ करना है तो इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो अब हम पहले ए पी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, 0 माइनस 1 तो +1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वेयर 1, 2 माइनस 1 का स्क्वेयर 1, तो ये क्या आ गया √2। ए पी, अब हम बी पी फाइंड आउट करेंगे, 3 माइनस 0 का स्क्वेयर, 3 माइनस 2 का स्क्वेयर, 3 माइनस 0 3 9, 3 माइनस 2 1 1 √10। अब ए पी नॉट इक्वल टू पी बी, अब ये दोनों इक्वल नहीं आए तो ये इसका आंसर क्या है, फॉल्स, ये पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई नहीं करता, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम,
ये हमने चेक करना है। तो पैरलोग्राम, पैरलोग्राम की आपको कंडीशन क्लियर होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड पैरलर होती है और इक्वल होती है। ए पॉइंट है 4-3, बी पॉइंट है 6-4, सी पॉइंट है 5-6 और डी पॉइंट है -3 और 5। ये दोनों क्या होते हैं, साइड ए बी और डी सी पैरलर और इक्वल। ठीक है, तो हम पहले इक्वल वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं, पहले ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। 6 माइनस 4 का स्क्वेयर और 4 माइनस 3 का स्क्वेयर। 6 माइनस 4 2 का स्क्वेयर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वेयर। तो 4 प्लस 1 तो ये क्या आ गया, √5। तो ए बी कितना आ गया, √5 यूनिट। अब ए बी आ गया, अब डी सी 5 -3 तो +3 हो जाएगा, और -6 और -5, 5 प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा 8, और -6 और -5 हमारे पास आ जाएगा -11। 64 121, तो ये हमारे पास आ गया √185। अब यही दोनों ने इक्वल है, ठीक है, साइड्स पैरलोग्राम किया, पैरलर और इक्वल होनी चाहिए, ऑपोजिट साइड पैरलर और इक्वल, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसके डायगनल भी नहीं इक्वल आएंगे, ठीक है। अब यही दोनों इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज नॉट अ पैरलोग्राम। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए सर्कल हैज इट्स सेंटर एट ओरिजिन। हमारे पास एक सर्कल है, सेंटर क्या है, ओरिजिन 0 0, ठीक है, एंड अ पॉइंट पी लाई ऑन इट। कोई भी पॉइंट पी है, इस पे लाई कर रहा है 5 0। द पॉइंट 6 8 लाई आउटसाइड द सर्कल। अब हमने ये चेक करना है भी जो 6 8 पॉइंट है वो कहीं आउटसाइड है सर्कल। तो पहले हम क्या करेंगे, ओपी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, फिर ये कोई क्यू पॉइंट लेट कर लेते हैं, फिर ओ क्यू का। अगर ओ क्यू का डिस्टेंस ओपी से ज्यादा हुआ तो ये बाहर लाई करेगा, आउटसाइड करेगा। अगर कम हुआ तो इनसाइड लाई करेगा, ठीक है। अगर इक्वल हुआ तो ऑन सर्कल लाई करेगा। पहले हम ओपी का डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 5 माइनस 0 का स्क्वेयर, 0 माइनस 0 का स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर 25, तो ये आ गया 5 यूनिट। अब ओ क्यू का फाइंड आउट करते हैं। 6 माइनस 0 का स्क्वेयर, 8 माइनस 0 का स्क्वेयर, 6 का स्क्वेयर 36, 64, और ये √100, ये आ गया हमारे पास 10 यूनिट। अब देखो ओ क्यू का डिस्टेंस ओपी से बड़ा ज्यादा, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू है, आउटसाइड लाई कर रहा है, ट्रू। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट ए 2 7 लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी 6 5 एंड क्यू 0। ऐसा क्वेश्चन सेम हमने फोर्थ क्वेश्चन किया, बिल्कुल वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अब पी पॉइंट है 6 5 और क्यू पॉइंट है 0 -4। अब यहाँ कोई ए पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट में, ये चेक करना है, यानी इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल हुआ तो ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो पहले ये पी है, ये क्यू है, इसे ए पॉइंट लेट कर लेते हैं। तो पी ए का डिस्टेंस 2 माइनस 6 का स्क्वेयर, 7 माइनस 5 का स्क्वेयर, 2 माइनस 6 -4 और 7 माइनस 5 2 का स्क्वेयर, 16 प्लस 4, तो ये क्या आ गया, √20। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, √20 को 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, तो ये आ गया 2 √5 यूनिट। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए क्यू का, पी क्यू का, सॉरी ए क्यू का। तो 0 माइनस 2 का स्क्वेयर, -4 -7 का स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर 4, -4 और -7 -11 का स्क्वेयर, ठीक है। अब -11 हमारे पास आ गया, -11 का स्क्वेयर होता है 121, ये आ गया 125।
और 125 हमारे पास क्या होता है, 5 × 5 × 5, तो ये आ गया 5√5 यूनिट, दोनों इक्वल नहीं आए, यानी PA नॉट इक्वल टू QA। तो अगर ये नो इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये क्या है हमारे पास, फॉल्स इंफॉर्मेशन है, तो ये हमारे पास फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9.5 -3, पी पॉइंट दिया हुआ है, ये उन्होंने बोला है वन ऑफ द टू पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब अगर एक लाइन सेगमेंट है ए है 7 -2, बी है 1 -, ट्राइसेक्शन मतलब इनको कोई यानी तीन पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इन्होंने बोला ये जो दो पॉइंट है इनमें से एक पॉइंट ये है, ये हमने अब चेक करना है, तो इसकी रेशियो होगी 1:2, इसकी रेशियो होगी 2:1। अब हम इसकी हेल्प से ये पॉइंट निकालेंगे, और ये अगर इन दोनों में से ये कोई पॉइंट आ गया तो ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यानी हमने यहाँ एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास एक्स की आइडेंटिटी क्या है, ये m1 m2 है, तो m2 x1 और m1 x2 डिवाइड में m1 + m2। इसी तरह वाई की वैल्यू है m2 y1 और m1 y2 डिवाइड में m1 + m2, ये दो आइडेंटिटी। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 7 + 1 × 1 डिवाइड में 1 + 2, तो ये आ जाएगा 14 + 1/3, 15/3, तो 15/3 क्या आ गया, 5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। अब y की वैल्यू निकालेंगे, m2 1 × -5 प्लस 2 × -2 डिवाइड में 1 + 2, -5 - 4 = 3, -9/3, तो -3, तो ये पॉइंट आ गया 5 और -3, यानी हमारा पहला ही पॉइंट आ गया 5 और -3, तो इट मीन्स ये क्या है, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, तो ये है ट्रू। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 11, द पॉइंट पी -2 4 लाई ऑन अ सर्कल, किस सर्कल में लाई करता है जिसका रेडियस 6 है और सेंटर 3 5, ये चेक करना है ट्रू इंफॉर्मेशन है या नहीं। अब सेंटर हमारे पास क्या दिए हुए, 3 5, और ये हमारे पास रेडियस है 6 यूनिट। अब हमने ये चेक करना है ये जो पी पॉइंट है ये सर्कल के ऊपर लाई करता है, मतलब इस पॉइंट का और इस पॉइंट का डिस्टेंस भी 6 यूनिट होना चाहिए। अगर 6 यूनिट हुआ तो ट्रू है, अगर 6 से कम या ज्यादा हुआ तो फॉल्स है। तो पी पॉइंट हम लेट कर लेते हैं, पी पॉइंट हमारे पास -2 4, तो ये सेंटर का सी पॉइंट है, तो सी पी का डिस्टेंस -2 -3 का स्क्वेयर और 4 - 5 का स्क्वेयर, तो ये आ गया -5, 4 - 5 -1, 5 का स्क्वेयर 25 + 1। अब देखो √26, 6 यूनिट तो √36 होता है, लेकिन ये 26 है, ये तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है 5.09 समथिंग, ये तो 6 से कम है, तो दिस इज अ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ये ऑन सर्कल नहीं, ये इनसाइड सर्कल है, फॉल्स, ठीक है, ये इनसाइड ऑफ सर्कल है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द पॉइंट ए बी सी डी दैट ऑर्डर फ्रॉम अ रेक्टेंगल, ये हमने चेक करना है, ये रेक्टेंगल के पॉइंट है। अब रेक्टेंगल की हमारे पास कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, ये ओपोजिट साइड इक्वल होती हैं और डायगोनल भी क्या होता है हमारे पास, इक्वल होते हैं। तो पहले हम ओपोजिट साइड फाइंड आउट करेंगे ए बी का डिस्टेंस, तो 4 - ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि पहले ही नेगेटिव है, तो 4 + 1 का स्क्वेयर और 3 + 2 का स्क्वेयर, 4 + 1 5, तो 25, 3 + 2 5, 25, 25, 25, √50, √50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2, तो 5√2 यूनिट, ठीक
ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे बी सी। 2 माइनस 4 का स्क्वेयर और 5 माइनस 3 का स्क्वेयर। -2 का स्क्वेयर, 5 माइनस 3 2 का स्क्वेयर, 4 प्लस 4 8, तो ये आ गया हमारे पास 2 2 2, यानी 2√2 यूनिट। ये हमारे पास आ गया बी सी। अब हम सी डी फाइंड आउट करेंगे। 2 नेगेटिव नेगेटिव 3 पॉजिटिव हो जाएगा, 5 माइनस 0 का स्क्वेयर। 5 का स्क्वेयर 25, 25 √50, √50 को लिख सकते हैं, 5√2 यूनिट। इसी तरह आप ए डी, -3 प्लस 1 का स्क्वेयर, 0 प्लस 2 का स्क्वेयर, -2 का स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर, तो 4 प्लस 4 8, तो ये भी क्या आ गया 2√2। अब देखो ऑपोजिट साइड इक्वल आ गई ना, ए बी और सी डी भी इक्वल है और बी सी और ए डी भी इक्वल। अब हम डायगनल चेक करने, अगर डायगनल भी इक्वल आ गए तो ये ट्रू इन्फॉर्मेशन है, अदरवाइज फॉल्स। तो पहले ए सी डायगनल 2, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 5 ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9, 5 प्लस 2 7 49, 49 प्लस 9 तो हमारे पास कितना आएगा √58। अब हम बी डी फाइंड आउट करेंगे। बी डी -3 -4 का स्क्वायर, 0 -3 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 7 -7 का स्क्वायर, ठीक है, और -3 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आ गया 58 यूनिट। ठीक है, अब देखो डायगनल भी इक्वल आ गया, तो ए सी इक्वल टू बी डी और ऑपोजिट साइड भी इक्वल है, तो ये क्या है, ट्रू इन्फॉर्मेशन है, यानी ये क्या है, रेक्टेंगल के पॉइंट है, तो इसका आंसर क्या है, ट्रू। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पलर की 7.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।